at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Good morning everyone, welcome back to our channel Outing Remand. सबसे पहले आप लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो देखिए आज अभी बज रहा है 7:45, थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट नहीं, असल में थोड़ा सा नींद नहीं खुला मेरा आज सुबह सुबह, तो जो भी हो खुद का गाड़ी है तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था कि देर हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो आज हम लोग 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं फिर से, और चले जा रहे हैं मायापुर अपना बेलनो लेकर। इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन मायापुर। आज हम दो ही है और कोई नहीं है, बस हम दोनों मिलकर निकल गए हैं। यही 7:45 बजे 100 किलोमीटर का रास्ता है और दिखा रहा है, देखिए 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा 59 मिनट अभी दिखा रहा है, 1 मिनट निकल गया है। घर के पास 10 मिनट है, हम घर से 10 मिनट है कल्याणी, तो कल्याणी एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे पहले, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ से, हम लोग पकड़ेंगे NH 12 कृष्णनगर होके जाएंगे। हम लोग कृष्णनगर होकर नवद्वीप होकर भी जा सकते हैं, पर हम लोग कृष्णनगर जा सकते हैं, किंतु वो छोटा रास्ता है थोड़ा। आप लोगों के साथ रास्ता का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना कृष्णनगर होकर, तो थोड़ा सा रास्ता बन रहा था जिसकी वजह से रास्ता बहुत खराब था। बाइक से गए थे तो थोड़ा ज्यादा फील हो रहा था रास्ता खराब जो है, तो आज देखते हैं कि रास्ता कैसा है। वैसे उतना आज फील होने वाला है नहीं, क्योंकि बाइक तो है नहीं, चार चक्का है तो उतना नहीं फील होगा। पर जो लोग भी बाइक से जाने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, और जो लोग कार से जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो देखते रहिए। हम लोग का घर है कल्याणी के इस पार, गंगा के इस पार। तो इस पार से जाने में हम लोग सिर्फ 10 मिनट लगता है, कार हो बाइक हो जो भी हो, 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो अभी ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जब बन जाएगा तो और फास्ट हो जाएगा। अभी तो जो ब्रिज है अभी तो बनेगा नहीं, तो टाइम बहुत टाइम है, बहुत टाइम है बनने के लिए। ब्रिज अभी बन रहा है, ब्रिज नया ब्रिज बन रहा है अभी, जो जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जिस ब्रिज से जा रहे हैं वहाँ लॉरी और बड़ा गाड़ी हेवी व्हीकल्स अलाउ नहीं है, सिर्फ छोटा गाड़ी जा सकता है। ये देखिए, ये आ गए हम लोग कल्याणी ब्रिज, और ये आने वाला है हम लोग का रास्ते का पहला टोल, और यही लास्ट है शायद ना, पता नहीं अभी उस रास्ते में जाएंगे टोल शुरू हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग जब बाइक से गए थे तो बाइक का तो टोल लगता है नहीं। ना तब तो कुछ नहीं था, अभी तो रास्ता यही रास्ते से गए थे ना, सुन रहे हैं कि रास्ता बन गया है। अच्छा। तो जाएंगे तो आप लोग को भी शेयर करेंगे। बाई रोड जो भी जाना चाहते हैं ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए ये आगे हम लोग का टोल, ये देखिए टोटो ऑटो कई टोल कटता है इधर सबका, बस बाइक का छोड़कर। ये देखिए ये ज्यादा बड़ा टोल नहीं है, ये बस 10 रुपए का टोल है। देखिए ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच गए कल्याणी, और ये है या आ गया फ्लाई ओवर, इसी पे अब हम लोग एंट्री लेंगे ना फ्लाई ओवर पे। ये अभी नया बना है, हम लोग का घर से कल्याणी जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट का रास्ता है। और ये देखिए ये अभी नया बन गया फ्लाई ओवर, तो बहुत ही खूबसूरत हो गया है, बहुत ही स्मूथ मक्खन जैसा हो गया ये रास्ता। अब यहाँ से दिखा रहा है हम लोग का 1 घंटा 50 मिनट का रास्ता है और 94 किलोमीटर है। उसे थोड़ी देर में कल्याणी एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे, तो हम लोग पकड़ेंगे काचापाड़ा हरिंगटा रोड, वहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे पकड़ेंगे NH 12। यहाँ का रास्ता बहुत काचापाड़ा हरिंगटा रोड लेफ्ट टर्न लेंगे ना। और साथ में इतना ज्यादा धूल है, वहाँ था थोड़ा सा रास्ता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, 200 मीटर का रास्ता धूल था,
गाड़ी को पूरा पॉलिश हो गया, गाड़ी पॉलिश हो गया पाउडर से। पॉलिश तो नहा धोआ के सुबह निकाले थे तो पाउडर लगाना भूल गए थे, रास्ता पाउडर दे दिया। ये देखिए वो जो रास्ता थोड़ा सा बन रहा था उधर ही थोड़ा सा धूल था और रास्ता खराब था, कुछ देर का 200 मीटर का बस रास्ता थोड़ा सा खराब था। और ये रास्ता देखिए अभी ये रास्ता मक्खन जैसा है, ये रास्ता अभी तक तो खराब नहीं मिला है, आगे जाते हैं तो देखते हैं। नहीं अभी तो चल रहा था, रास्ता अगर खाली हो और ऐसा हो स्मूथ तो 100 ठीक है ऐसे ही, पर हाँ रास्ता देखकर सेफ गाड़ी चलाना हम लोग के खुद के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग का हड़बड़ी कुछ नहीं है, पहले लाइफ है, सेफ ड्राइव सेफ ड्राइव, कहीं भी जाए तो सेफली गाड़ी चलाए, सेफ्टी चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे पीछे दाएं बाएं देख के। थोड़ा सा लेट पहुँचे कोई बात नहीं है, पर लाइफ एक ही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुद का भी और किसी दूसरे का भी, तो इसीलिए सेफ ड्राइविंग करना बहुत जरूरी है। इधर जाइएगा अगर तो कोलकाता है और सीधा जाइएगा तो गाईघाटा है। हम लोग जाएंगे लेफ्ट, हाँ हम लोग जाएंगे लेफ्ट, तो हम जाएंगे कृष्णनगर रानाघाट वो रास्ता पकड़ेंगे। ये रास्ते में ये येलो येलो दिख रही हो, हाँ ये पता है क्या है इसका मतलब, पता है आप ही बता दीजिए। देखिए थोड़ा उसके ऊपर जा रहे हैं तो गाड़ी थोड़ा हिल भी रहा है, थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब होता है कि सामने कोई यू टर्न आने वाला है, यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं।
अच्छा ये तो देखिए उठना ना, नहीं पता था ये। अच्छा 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 इधर से जो है ना रास्ता यूटर्न जा सकते हैं, इसलिए ये सिग्नल है कि आप स्लो कर सकते हैं। ये और भी बहुत सारा और एक तो कारण है, तो अगर हाईवे में चलाने में भोजन का ऐसा होता है कि थोड़ा नींद जैसा आ जाता है, तो थोड़ा अगर रास्ते में तो नींद आ जाए, ड्राइवर को अगर नींद आ जाए तो परेशानी हो सकता है। तो थोड़ा रास्ते में ये दूर जाए, उसको ऊपर से जब जाएंगे ना थोड़ा झटका, हल्का सा झटका लगेगा, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, होता है गाड़ी में वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो नींद नहीं आएगा। क्योंकि मेरे लिए ये पूरा एकदम सही है। हम तुम चला रही हो, अरे चला नहीं रहे हैं, पर पास में साइड में तो हम ही बैठे हैं ना, हमको ज्यादा थोड़ा नींद लगता है। बाइक हो या चार चक्का में तो और ज्यादा ही, छोड़ दीजिए कहीं भी जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो सो ही जाते हैं, सोते सोते जाते हैं। पर जब से हम लोग का गाड़ी में सामने बैठना पड़ रहा है तब से मेरा नींद उड़ गया तब से नहीं सोते हम। यहाँ से राणा घाट है देखिए 10 किलोमीटर। ऐसा रास्ता हो बाइक लेके आओ या कार लेके आओ, आराम दोनों से में एकदम आराम से, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा आप लोग को। रास्ते में देख लीजिए आप लोग का 2 घंटा का रास्ता, अगर चाहे तो अगर और रास्ता खाली रहे ना, ऐसे रास्ता खाली है तो 1 घंटे में भी कोई पहुंच जाए, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए 1 घंटा दिखा रहा है, 61 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर नॉर्मल अगर शहर के अंदर से जाता, रानाघाट शहर के अंदर से जाता, सोचिए कितना टाइम लगता। ठीक है, ये बाईपास हो गया बोल के एकदम स्मूथ हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से दिखा रहा है 52 किलोमीटर का रास्ता, और यहाँ 57 मिनट लगेगा। 52 किलोमीटर का रास्ता है और ज़्यादा दूर नहीं है, और 56 मिनट में पहुँच भी जाएंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोग अगर कोई भी रोड ट्रिप करें और ये बाईपास ऐसा रहे ना, तो कहीं भी जाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही जल्दी पहुँच जाने वाले हैं टाइम से पहले। बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ज्यादा। दुर्गा पूजा आने से पहले ही ये होता है, बाकी पूरा साल आप नहीं देख पाइएगा इस फूल को, बस पूजा आने से पहले ही ये पूरा चारों तरफ भरा रहता है। देखिए साड़ी का कारखाना शांतिपुर के जो साड़ी बोलो है ना, हाँ इसे साड़ी बोलो उठ गया तात का, शांति में तात का जो साड़ी होता है वो बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर देखिए ज्यादातर लोग का बिजनेस यही है, साड़ी का ही बिजनेस करते हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग, क्योंकि शांतिपुर में तात का साड़ी फेमस है। अरे यहाँ तो पूरा देखिए पानी जमा हुआ है, अरे थोड़ा सा या पूरा, ये तो गाड़ी को पूरा धो देगा। नीचे का धुला नहीं था, ऊपर से धुला था मैंने, वो तो हो गया। ठीक है कोई नहीं, ज्यादा नहीं था, नीचे का धुला अगर जाना हो उसके लिए बनाया। ये देखिए अभी भी दिखा रहा है, अभी भी मौका है आपके पास सिलीगुड़ी जाने का। सिलीगुड़ी जाने का कंटिन्यू दिखा जा रहा है, सिलीगुड़ी सीधा है, हम लोग भी सीधा ही जा रहे हैं, सीधा ही जाएंगे। तो
बहुत जल्दी टाल लिया आप तो, 9:30 भी नहीं बजा है। हाँ उस दिन दादा ठीक ही बोले, पक्का ड्राइवर हो गया है, हाथ सेट हो गया है। इधर से NH12 से उतर कर हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं मायापुर, इस्कॉन मायापुर के रास्ता में, यही है, इस्कॉन मायापुर का रास्ता यही है। ये एक रेल गेट आएगा, ये देखिए ये सब जो साइड में देख रहे हैं ना, ये सब पाट काट ही है, सूखने के लिए रखा है। हाँ हवन वन में ये सब का जरूरी लगता है, आग 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 के लिए। ये जो गांव का रास्ता है ना, इधर इधर इतना स्पीड गाड़ी चलाने से नहीं होगा, क्योंकि ये गांव है और जब तक देखिए इन आदमी जा रहे हैं पास से साइड से, यहाँ पर कोई टोटो उटो का सिग्नल भी नहीं है, जैसे तैसे निकल जा रहे हैं सिग्नल भी ना दिए। इधर दिखा रहा है 9 मिनट लगेगा और 3.8 किलोमीटर है। ये देखिए ये शायद बजा रहे यहाँ का, पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। आज हम लोग रहेंगे नहीं, सोचे थे रहेंगे पर फिर सोचे कि आएंगे नेक्स्ट टाइम तो रहेंगे। ये देखिए कार पार्किंग है, ये देखिए कार पार्किंग के लिए हम लोग का 4 चक्का का 150 रुपया लगा है, और ये रहा बिल 150 रुपया लगा है, बाइक का थोड़ा कम लगता है। तो चलिए अगर तुम पैदल आए तो नहीं लगेगा जितना कुछ हम लोग कवर कर सके, और कहाँ से हम लोग भूख खा रहे हैं सारा कुछ का जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए टाटा, राधे राधे।